गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक नया टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है कि सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स हैं। जो लास्ट टॉपिक था अपना, लास्ट वीडियो में आपने जो लर्न किया वो टॉपिक क्या था, सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो आज गैस की सोलुबिलिटी पर बात कर रहे हैं। तो सोलुबिलिटी पर बात करें तो जो गैस होती है आपको पता है कि लेस अमाउंट में क्या होती है कि वाटर में या जो सॉल्वेंट है उसमें क्या होती है कि एक सर्टेन लिमिट में डिजोल्व होती है। ठीक है, और जब गैस क्या होती है कि वाटर में या किसी सॉल्वेंट में क्या होती है, डिजोल्व होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर पहली बात अपना जो फर्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या आती है कि जो अपन क्या है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है या लिक्विड है, उस लिक्विड की क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि अपन सपोज कर लेते हैं कि 1 ml वॉल्यूम का कोई लिक्विड है। ठीक है, और क्या है कि 1 ml ही क्या है, गैस है। ठीक है, और जब ये क्या होते हैं कि जो 1 ml लिक्विड है उसके द्वारा क्या होता है कि 1 ml वॉल्यूम गैस को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो जिस अमाउंट में वो एब्जॉर्ब होता है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होगा, उसका कोफिशियंट, एब्जॉर्बेशन कोफिशियंट होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने ऊपर भी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट अपर सा यही बात हुई कि कोई भी जो लिक्विड होता है, जैसे अपने सपोज कर लेते हैं वाटर है, तो वाटर में क्या होता है कि वो क्या है कि एक फिक्स या अपन ये बोल दें कि सर्टेन अमाउंट में क्या करता है कि गैस का ऑब्जर्वेशन करता है। कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जैसे आप वाटर को हीट करते हैं, जैसे आपको टी प्रिपरेशन करनी, चाय बनानी है, तो उसमें क्या है कि आप वाटर को हीट करेंगे। ठीक है, वाटर को हीट करते हैं तो उस टाइम अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है कि जब वाटर को अपन हीट करते हैं तो जो अपना पात्र है, बर्तन है, उसमें क्या होता है कि उसका जो पैंदा होता है, उस पैंदे में क्या होते हैं कि छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। ठीक है, और वो बबल क्या है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होते जाते हैं कि बबल्स क्या होते जाते हैं, ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि भाई वो क्या है, बबल किस रीजन से बने, कि जब अपने क्या कर रहे हैं कि उस लिक्विड को हीट कर रहे हैं, यानी कि वाटर को हीट कर रहे हैं, तो उसमें डिजोल्व गैस लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, भी आपको पता है कि जैसे जो अपने फिशिज ग्रुप्स होता है, यानी कि जो फिश होती है, आपको पता है कि वो जो ऑक्सीजन लेती है वो वाटर में डिजोल्व लेती है, यानी कि जो वाटर लिविंग बींस होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। और उसके लिए उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए उनमें कुछ विशेष सिस्टम्स होते हैं, स्पेशल सिस्टम्स होते हैं। जैसे उनमें अपने फिशिज में बात करें तो उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो गिल्स से क्या करते हैं कि वहाँ से क्या करते हैं कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का ही क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। ऐसे प्लांट्स में भी सिस्टम्स होते हैं, तो सब में अपना अपना एक, जो भी लिविंग बींग है सब में क्या है कि अपना अपना एक अदर सिस्टम होता है। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बीन है या अपने अदर जैसे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है कि लंग्स होते हैं, लंग्स से क्या है कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी एयर सक करते हैं। ठीक है, जैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें अपन क्या है कि डायरेक्टली एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली उसमें एनवायरमेंट में ही अपने क्या कर देते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो रिलीज कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या है कि ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑल गैस आर लेस और मोर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कुछ गैसेज क्या होती है, लेस अमाउंट में सोल्यूबल होती है और कुछ क्या होती है, मोर। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है ना, एक सर्टेन लिमिट में क्या होती है, डिजोल्व होती है, सर्टेन लिमिट से यानी कि निश्चित मात्रा में होती है, इससे कम या ज्यादा की बात यहां पर नहीं होती। फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन,
द वॉल्यूम, अभी देखिए इसकी डेफिनेशन है, ट्रू वॉल्यूम 1 ml, ठीक है, ऑफ ए गैस, यानी कि अपने गैस की क्या ले ली, 1 ml लिमिट, ठीक है, विच डिजोल इन 1 ml वाटर इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन कोफिशियंट। द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाई फॉलोइंग फैक्टर्स। अब क्या है कि जो सोलबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या होती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या होती है कि अफेक्टेड होती है। तो फर्स्टली अपना बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस मीन क्या होता है कि जैसे आपने लास्ट टॉपिक में भी यही बात पढ़ी थी कि नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, तो भाई सॉलिड पर डिपेंड कर रहा था कि वो उसमें सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने लिमिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की बात है कि नेचर ऑफ गैस है कि गैस क्या है कि अगर क्या होती है कि कोई आयोनाइज्ड गैस है तो आयोनाइज्ड गैस जो होती है वो आयोनाइज्ड क्या है कि सोलवेंट में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है भाई। वाटर है तो वाटर क्या है कि आयोनाइज्ड सोलवेंट है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे मोर अमाउंट्स में क्या होती है कि जैसे अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, ठीक है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या होती है कि वाटर में मोर अमाउंट में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। इसी तरह से क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड है एंड H2SO4 कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये भी क्या है कि इसी सीरीज में क्या है कि वाटर में क्या है, डिजोल्व है, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जर्वेशन कैफिशेंट ऑफ वेरियस गैसेज इज इन 1 ml वाटर इज गिवन बिलो, यानी कि 1 ml वाटर में क्या है, ये 1 ml वाटर में ये क्या है कि किस अमाउंट में या इसकी सोलबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 1 ml में क्या है कि अगर 1 ml वाटर लेते हैं तो उसमें सबसे अपन ये कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट्स में क्या है कि अमोनिया डिजोल्व होती है, ठीक है, फिर HCl, SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथाइन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का आर मोर सोल्यूबल इन एथिल एल्कोहल देन वाटर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो गैसेज हैं ये वाटर के कंपेयर क्या है कि एथिल एल्कोहल में ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, डिजोल्व होती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि ऑक्सीजन के बारे में आप नॉर्मली जानती है कि ऑक्सीजन क्या होता है कि अपने जो ब्लड है, ह्यूमन बॉडी है या अपने कोई भी लिविंग बींग है, उसके क्या है कि ब्लड में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, और उस सोल्यूबिलिटी के रीजन से ही क्या है कि अपने बॉडी पार्ट के एवरी सेल्स तक क्या होती है कि ये रीच होती है, वहाँ तक पहुँच पाती है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है कि ब्लड में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, और आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इनका इंटरचेंज होता है, ठीक है ना, कि जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन इंटर होती है तो उस समय क्या है कि ऑक्सीजन तो क्या होती है कि लंग्स में जा करके कि ब्लड में डिजोल्व होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, रिलीज होती है, और इन दोनों का रिलीज होने का और क्या है कि उसमें एब्जॉर्ब होने का रीजन क्या होता है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कि जिस साइड क्या है कि उसकी कम होती है उसी साइड क्या होते हैं उस पार्टिकल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाती है उस टाइम, ब्लड में क्या है कि ऑक्सीजन का अमाउंट या कंसंट्रेशन लो होती है तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, और जो लंग्स हैं उनमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, तो ब्लड से क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होकर के लंग्स में आ जाती है, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने क्या कर देते हैं, उसको आउट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या है इस पर, नेचर ऑफ गैस पर है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग में वो आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट से मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम उसके हैं, नेचर के हैं, तो उस टाइम क्या होती है, सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिफरेंस के हैं तो डिक्रीज हो जाती है। जैसे क्या है कि आयनाइज्ड जो गैसें होती है वो आयनर पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं द पोलर गैसेज आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, वाइल नॉन पोलर गैसेज आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जिस तरह का सॉल्वेंट का नेचर है उसी तरह की गैसेज क्या होती है, उसमें डिजोल्व होती है। जैसे क्या है कि HCl गैस
इज मोर सोलबल इन वाटर देन लिक्विड बेंजीन, क्योंकि जो बेंजीन है वो नॉन पोलर सेलवेंट सोलवेंट है और वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट है, ठीक है ना। तो इस रीजन से क्या है कि जैसा नेचर है यानी कि सोलवेंट और गैस का सेम नेचर है तो सोलबिलिटी इंक्रीज होती है, डिफरेंस है तो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। कि कोई सी का भी मान लो अपन ये कह दें कि गैस तो पोलर है और क्या है कि जो सोलवेंट है वो नॉन पोलर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सोलबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना, वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाई आप इस तरह जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन क्या है वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट, नियत रखें, फिक्स रखें, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि गैस की सोलुबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये डिक्रीजिंग का रीजन क्या होता है कि भी आपको पता है कि गैस हीट होकर के क्या होती है कि रिलीज होती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में स्टॉपिंग में बताया था कि भी अपने टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब अपन वाटर को हीट करते हैं तो उसमें से क्या है कि गैस जो होती है वो बबल होकर के क्या होती है, उसमें से रिलीज होती है। तो अगर क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, एक तरह से अपने ये सपोज कर दे कि एक्साइटेड होकर के आउट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू ली चार्लीज प्रिंसिपल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द सोलुबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोलुबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। सिंस द ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड हैंस ऑन हीटिंग एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसका फैक्टर अफेक्टिंग आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर है कि अगर क्या होता है कि अगर अपने प्रेशर में चेंज करते हैं तो इसकी सोलुबिलिटी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस पर, हेनरीज लो पर। हेनरीज लो के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इवन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर क्या है कि टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए और क्या किया जाए कि प्रेशर में चेंज किया जाए, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी क्या होगी कि इंक्रीज होगी, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज मोर अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, हेनरी प्रपोज्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये हेनरीज लॉ है, यहां से द मास ऑफ ए गैस, सॉरी, द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है ना। इफ द मास ऑफ गैस इज एम विच इज डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट एट प्रेशर पी, देन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एम प्रोपोर्शनल पी, यानी कि क्या है कि जो सोलुबिलिटी है मास की, ठीक है, यानी कि जो गैस का मास है यानी कि सोलुबिलिटी, ठीक है, वो क्या है कि उसके प्रेशर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोपोर्शनल का यहाँ से ये साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक कोई भी अपना कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो ये क्या है कि के यहाँ पर अपने कांस्टेंट लगाया जो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, जो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है के डिनोटेड कर रहा है। व्हेन मोर देन वन गैस टुगेदर आर कम,
ये तो क्या है कि एक सिंगल गैस के लिए बात थी यहां पर, अब क्या है कि अगर क्या होती है कि मोर देन टू गैस, ठीक है, देन वन गैस टूगेदर आर कम इन कॉन्टेक्ट विथ सोलवेंट, देन द अमाउंट ऑफ सोलबिलिटी ऑफ ईच गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है, आंशिक दाब की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम ऑल गैसेज इज डिटरमाइंड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कि इनका अमाउंट क्या है कि मोल फ्रैक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट या इनका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या है कि x प्रोपोर्शनल p1, ठीक है, और यहाँ पर x क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और p1 क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k कांस्टेंट लगाया अपने k डैश, ठीक है, जो क्या है कि हेनरी कांस्टेंट के इक्वलेंटी माना गया है। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसी फॉर्मूले से अगर अपने को क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा x अपॉन k डैश, और 1 अपॉन k डैश इक्वल टू क्या होता है k, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा k x, और यहाँ पर k क्या है कांस्टेंट है, x क्या है मोल फ्रैक्शन है, और p क्या है प्रेशर है, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर, ठीक है, कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर, ठीक है ना, कि जो उसमें गैस डिजोल्व होती है तो डिजोल्व हो गई उसके बाद क्या है कि अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेट एम गैस, यानी कि एम क्या है मास, ठीक है, एम ग्राम ऑफ गैस मोलिकुलर वेट एम एट टेम्परेचर टी हैज वॉल्यूम वी, गैस इज सोल्यूबल इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर पी, देन आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एन जो होता है वो एन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर क्या है कि एम अपॉन एम, एम यहाँ पर ये तो क्या है कि मास ऑफ गैस है, ठीक है, और एम जो कैपिटल एम है वो क्या है मोलिकुलर वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा एम अपॉन एम आर टी, ठीक है। अब वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अपने को क्या है कि उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन पी डॉट आर टी अपॉन एम। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या है कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके बाद जो बात आती है लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, ठीक है, गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट एंड आल्सो डज नॉट एसोसिएट एंड आयनाइज, ठीक है। और लास्ट जो आता है द सोलबिलिटी ऑफ गैस इज लेसर द इन सॉल्वेंट मीन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अगर क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में क्या है कि गैस अगर क्या होती है कि लेस अमाउंट में सोल्यूबल होती है तो वो क्या रहेगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। जैसे आपको पता है कि इस पर एग्जांपल में एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि वाटर है, उस वाटर में क्या है कि आप शुगर या साल्ट डिजोल करते हैं, ठीक है भाई, आपने एक फिक्स अमाउंट में जैसे 1 स्पून उसमें डिजोल किया, अब क्या है कि वो एक आपका सोल्यूशन रेडी हो गया। अब उसमें क्या है कि अगर अपन क्या है कि सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना, यानी कि डाइल्यूशन तो क्या होगा डिक्रीज होगा और कंसंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर क्या होता है अगर आप उसमें उल्टा सिस्टम करते हैं अपोजिट सिस्टम करते हैं, अगर क्या होता है कि उस सॉल्वेंट में 100 ml वाटर में क्या करते हैं भाई, अपने 1 स्पून को 100 ml वाटर में डिजोल किया था, अब क्या करते हैं उसमें 100 ml वाटर और डिजोल कर देते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना,
क्योंकि डायल्यूशन से मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिजोल्व, ठीक है, कि वो पार्टिकल्स जो क्या होते हैं कि उसमें डिजोल्व होने वाले पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।